नरेंद्र मतकाजी और आज के जो व्लॉग है वो है हमारा बारबेक्यू टुनाइट के ऊपर। जी हाँ, बुफे ऑफ बारबेक्यू टुनाइट स्पॉन्सर्ड बाय जहांजेब मंगी। जहांजेब भाई, क्या रीजन है कि आपने बारबेक्यू टुनाइट ही क्यों चूज किया? यार बारबेक्यू टुनाइट इसमें से चूज किया क्योंकि डिसेंट प्लेस, प्लस इट हैज अ हिस्ट्री और बहुत हमेशा मजा आता है जब भी यहाँ पे आते हैं, बहुत एंजॉयमेंट होती है। मैंने कहा व्हाई नॉट कम हियर विद फ्रेंड्स। जबरदस्त। तो लेट्स ट्राई बारबेक्यू टुनाइट का बुफे कैसा है। जैद भाई भी बहुत एक्साइटेड है, नबील भाई एज यूजुअल एक्साइटेड है लेकिन मोबाइल के ऊपर ज्यादा है, इरफान भी हमारे साथ है और अभी अंदर जाके हम देखते हैं कि कैसा टेस्ट है और कैसी इन्जॉयमेंट आती है। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, बारबेक्यू टुनाइट का बुफे बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त हम लोगों को लग रहा है खाना, और अभी जाके कुछ खाने के शॉट्स बनाते हैं और देखते हैं कैसा है और आप लोगों को इसका पूरा फीडबैक देते हैं कि कैसा फीडबैक रहा आज हमारा। तो हमारे साथ स्टे ट्यून्ड रहिए। देखते हैं यहाँ पे क्या है, एक एक करके। सबसे पहले शुरू से ले चले तो यहाँ पे सबसे पहले फिश करी, हमारे पास है फिश करी, बहुत ही लजीज और बहुत ही ज़बरदस्त। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे नान, बेहतरीन नान। उसके बाद है कंदारी पुलाव, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है ईरानियन कोबिदा कबाब, ओहो हो खीर, ईरानियन चूजिया बोटी, चूजिया बोटी, चिकन हांडी, चिकन हांडी है, बीफ कोरमा, ये आप देख सकते हैं। सेम चिकन, चिकन चपली कबाब, बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इस साइड में, हमारे पास है चिकन पनीर, बहुत ही ज़बरदस्त। उसके बाद हमारे पास कुंग पाओ चिकन, ये आप देख सकते हैं, वेजिटेबल राइस, चिकन चिली, चिली है। उसके बाद है पेरी बाइट्स, प्लीज़ अगर आप मुझे एक मिनट के लिए। उसके बाद है हमारे पास फिश कटलेट्स, उसके बाद है पेशावरी कबाब, ओहो हो खीर, चिकन अचारी बोटी, ज़बरदस्त अदाना कबाब, ओहो हो, और ये है पराठा, अमेजिंग। तो ये है जी पूरा मेन्यू यहाँ पे। अब फिश है, फ्राइड फिश, गोला कबाब चिकन के, और ये चिकन की कोई आइटम खा के बताएं फिर कैसा टेस्ट आ रहा है। एंड इरफान, व्हाट्स योर चॉइस? यार मेरे पास कुछ टर्किश कबाब है, दो तरह के, एक ईरानी कबाब है, ये टर्किश कबाब है, ओके, देन कुछ फिश है, ये चिकन है, ओके, और काबरी पुलाव। हाँ, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस बताना फिर। बेस्ट पार्ट जो है ना इस वक्त वो है ये चीज़, देख रहे हैं आप, ये मटन रिब्स जो है ना, ये बहुत ही आला है। इस जैसे मटन रिब्स मैंने आज तक नहीं खाए, इस चीज़ के पीछे जाना लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिले, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्ट। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ चिकन फ्राइड राइस अलॉन्ग विद चिकन चिली, और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा काम किया, रोटी बहुत अच्छा है, रोटी की चुकी, बहुत मज़ा आएगा। आप देख सकते हैं इसके अलावा, हाँ, बीफ कीमा, रोटी और चावल से ऑयल कर, अगेन फिश और चिकन बोनलेस हंडी, और बहुत ही मज़ा आएगा। नबील भाई एज यूजुअल रिब्स फोड़ते हुए,
अगर आपको पैसे सीधे यूटिलाइज करने ना, देखो तकरीबन 1800 रुपए किलो बकरा है। अगर आपने वो आधा पौन किलो के रिब्स खा लिए तो 1200 रुपए तो आपने ले लिए। अमेजिंग सर। थोड़ा बहुत कुछ खा के 2000 हो जाएंगे। तो जब भी खाना खाएं कैलकुलेट करें कितना खा चुके हैं ताकि नुकसान में ना रहे। इरफान भाई कैसा रहा आपका लेटर का टेस्ट? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ मिस होगी वो ये है कि यहाँ पे ग्रेप फ्रूट जूस है और मिंट लेमोनेड है। और मिंट लेमोनेड की तो क्या ही बात है भाई, बारबेक्यू टुनाइट का मिंट लेमोनेड हो तो क्या ही बात है। इसके अलावा यहाँ पे वापस नमकीन लस्सी है और स्वीट लस्सी है। मतलब ये है बेस्ट पार्ट ऑफ द रिब। आपने भी जो है कार्डियम टी ट्राई किया, सो हाउ इज इट? यार इट्स परफेक्ट, इट्स अमेजिंग। और भैया आपके सामने पड़ी भी हुई है, लेकिन आई थिंक आप इसको सही एंजॉय कर रहे हैं। और ये क्या कहते हैं, ठंडा होने का इंतजार। एक्चुअल फन इज टू वेट एंड ड्रिंक योर टी इन पीस, ओह माय गॉड, नॉट टू रश इट। जबरदस्त जबरदस्त। चाय का सब मजा लेना है तो जानदेव भाई की बात पे अमल करें। एंड इरफान, यू ट्राइड आई थिंक कैपुचिनो, सो हाउ इज इट? आई जस्ट ट्राइड इट एंड इट्स वेरी गुड। जबरदस्त। अभी मैं चॉकलेट बूस्ट पे हूं, उसके बाद आऊंगा। जबरदस्त जबरदस्त। भाई वैसे यहाँ पे चाय सेक्शन के अंदर इस वक्त हम खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि पीछे मशीन वाली चाय भी मिल रही है, बट यहाँ पे जो है ये लाइव चाय बन रही है और इस वक्त तीनों हम लोग खड़े सिर्फ ये लाइव चाय पीने आए हैं बिकॉज इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है, इतना जबरदस्त टेस्ट है। और उसके पीछे एक बंदा, एक रीजन, जो कि 30 साल से यहाँ पे चाय बना रहा है। जी वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम असगर अली है। असगर भाई कितना अच्छा हो गया आपके यहाँ पे? जी मेरे को जहाँ 1990 में आया हूँ और नई चाय पर ही। असगर भाई मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मशीन वाली चाय भी है, लेकिन जो आप चाय बना रहे हैं यहाँ पे वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और सारे वही चाय पी रहे हैं। मेरा ख्याल है आपके हाथों का कमाल और आपके 30 साल के एक्सपीरियंस। सर मैं 40-50 किलो दूध की चाय बनाता हूँ, 1.5 से 2 किलो पत्ती इस्तेमाल। माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही कायम रखे। सर जानदेव चाय आप पी रहे हो और मशीन वाली चाय भी पी है आपने, माय फेवरेट थिंग इन द वर्ल्ड। ये जो बाबा की जो चाय है ना, ये जो चाय है ये दिखा भी दें आप, और क्या जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त। ये देखिए जिस तरीके से ये बना रहे बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। और भाई मुझसे तो रहा नहीं जा रहा और मेरा ख्याल है कि अब मैं और ज़्यादा इससे ज़्यादा वेट नहीं कर पाऊँगा और वापस मैं चाय जो है ना पीना स्टार्ट करूँ। इस चाय वाकई बहुत जबरदस्त, रियली ग्रेट, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। जी नबील भाई ये बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ आप बना के लाए हैं, टूटी फ्रूटी आइसक्रीम वनीला विद मूज। सर बेसिकली वो मीठा वाला था नहीं यहाँ पर निकालने वाला, तो मैंने उससे बोला कि यार ये मिला दें, अगर जो चाहे आप मिला दें। तो मैंने ऐसा मिला दिया कि अभी शेफ आया था मेरे पास, बोला था कि यार ये कैसे बनाया आपने जो, जो 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 बाकी अगर आप बुफे में जाए वहाँ पे और यहाँ पे फर्क ये क्वालिटी ऑफ फूड जो है ना, क्वालिटी ऑफ फूड बहुत अच्छी, यानी कि आप किसी भी चीज़ पे डिसअपॉइंट नहीं हुए, आपको हर चीज़ बहुत अच्छी लगी। और सबसे अच्छी लगी सर्विस, बहुत अच्छी सर्विस, बहुत अच्छी, ये भी फैक्ट है। और जैद भाई आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छी क्वालिटी,
Jamzeb, the host, how was the taste? Again, the taste was great as usual. More than the taste, I would say the environment actually matters. And the company that matters at barbecue tonight always provides the environment at least, and the taste is great as usual. Well, it's always a pleasure coming here. Well, thank you. And apna Amjad bhai, how was your experience? It was a wonderful experience, guys. You better come here, give it a try. Like Jandeep was saying, it's the company and it's the environment, it's all that matters. The food was excellent, it kept on refilling. You didn't think that anything is going to be finished. I would not be able to get it. You will 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 get it. And in the end, my experience, 10 out of 10. बहुत जबरदस्त था, बहुत मजा आया, इतनी जबरदस्त आइटम्स थी और कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं लगी कि फ्रेश नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं था, बहुत ज़्यादा टेंडर था मीट और रिब्स ने तो कमाल कर दिया। मेरा ख्याल है वैसे आपके जो है ना कोई बुरा कर देते हैं, चाय बहुत कमाल थी और आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए और दूसरों को भी आप आराम से रेफर कर सकते हैं, किसी मेहमान को ला सकते हैं। यू वॉन्ट रिग्रेट एंड इट वॉज 10 आउट ऑफ 10 एक्सपीरियंस। थैंक यू।